सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो लगातार 15 दिनों तक चलते हुए अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त हो जाते हैं। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी तिथि आप भूल गए हैं। इसके साथ ही जो लोग पितृ दोष से परेशान हैं, वो भी इस दिन कुछ उपाय अपनाकर इससे मुक्ति पा सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पितृ पृथ्वी पर रहते हैं और सर्वपितृ अमावस्या पर वो वापस अपने लोक चले जाते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं एक उपाय जो आप अमावस्या की रात को चावल और कपूर से करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों के अप्रसन्न होने से जातक की कुंडली में पितृ दोष लगता है। ऐसे में जातक को जीवन भर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान प्राप्ति में समस्या से लेकर ग्रह कलेश तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या को चावल और कपूर संबंधी एक उपाय करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह के समय अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक कटोरी में चावल भरे और उसमें थोड़ी सी कपूर रख दे। इसके बाद शाम को सूर्यास्त होने के बाद साथ ही अपने पितरों से कामना करें, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसके बाद दूसरे दिन इन चावलों को किसी पेड़ के नीचे या फिर ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर इन्हें पक्षी चुग ले। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। तो आप भी पितृपक्ष की अमावस्या को यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।